माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। अगर आप पहले से यहाँ आते रहे हो तो वेलकम बैक। आपने मेरे ऊपर इतना विश्वास रखा, आपने मेरे वीडियोज़ को इस लायक समझा कि आप इसे फिर से देख सको, उसके लिए धन्यवाद। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो ऑफ कोर्स लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे रेगुलर व्यूअर्स की तरह ज़रूर ही आते रहें और वीडियोस को देखते रहें। ओके, सो आज मैं जो पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बेसिकली ये मेरे कमेंट सेक्शन में किसी ने रिक्वेस्ट किया था, तो मैंने सोचा हाँ ये वीडियो है, मतलब ये लोगों के लिए होगा, बहुत सारे लोग इसको चाहते होंगे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आई। ओके, तो आज के वीडियो का टॉपिक है नो कॉन्टैक्ट, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। ओके, वो नेक्स्ट क्या करेंगे। यहाँ पे तीन पाइल्स रखे हैं, मरून पाइल, ऑरेंज पाइल एंड पिंक पाइल। आपको इन तीन पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी। टाइम्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग कभी कभी आपसे रेजोनेट करती भी है, कभी कभी नहीं भी रेजोनेट करती है। इन बोथ दी केसेस आपको वरी नहीं करना है। अगर आपसे चीज़ें रेजोनेट होती हैं तो अच्छी बात है, अगर आपसे नहीं रेजोनेट होती हैं तो आपको वरीड नहीं होना है। ओके, पर्सनल रीडिंग अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग के डिटेल्स मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, नीचे ईमेल एड्रेस दे रखा है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, तो आज फिर से मैं आपके सामने ही शफल करूँगी, बिकॉज मेरे लिए भी कन्वीनियंट होता है और आपके लिए भी। बट हाँ, मैं सारी वीडियोज़ में लाइव शफल नहीं कर सकती ड्यू टू स्कैसिटी ऑफ टाइम, समय की कमी के वजह से। ओके, तो चलिए आप अपना पाइल सेलेक्ट कीजिए, फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। सबसे पहले रीडिंग करूँगी मरून पाइल की, फिर ऑरेंज और फिर पिंक। तो इन दोनों को इधर रख देते हैं। चलिए, सबसे पहले जिन लोगों ने मरून पाइल सेलेक्ट किया है तो देखते हैं मरून पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, नो कॉन्टैक्ट, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। यहाँ एक्चुअली स्पेस की बहुत स्कैसिटी है, आपको पता ही होगा। तो ये आपके कार्ड्स आ गए हैं, तो चलिए देखते हैं उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। ओके, सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि अभी तो उनके नेक्स्ट मूव से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि दिस पर्सन बहुत ही ज़्यादा ये ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों की जो लड़ाइयाँ हों वो बहुत टाइम से चल रही हों और उसके बाद अब आप लोग नो कॉन्टैक्ट में गए हो। ओके,
और अगर नो कांटेक्ट में नहीं हो तभी बात बहुत ही कम हो रही है, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा इनके एकदम सर पे ना बोझ सा हो गया है, इन्हें खुद को नहीं समझ में आ रहा है दैट कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि सारी चीज़ें रिलेशनशिप में मैं ही कर रहा हूँ एंड मुझे ही कुछ नहीं मिल रहा है। ओके इनको आज भी वो जो फीलिंग्स है ना जो आप लोगों की थी, उसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा बर्डन्ड महसूस हो रहा है। ओके बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब शायद इनसे चीज़ें नहीं संभलेंगी। नाउ द थिंग इज़ कि आप लोग एक दूसरे से अलग भी नहीं हो पा रहे हो, एक दूसरे के साथ भी नहीं हो, तो यू शुड अंडरस्टैंड वन थिंग कि ऐसा नहीं है कि आप लोग एक स्टेप लेके एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते या एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। इन बोथ द कंडीशंस आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा। ओके थोड़ी चीज़ें सही करनी होगी, बिकॉज सी आप लोग अगर एक दूसरे से जुड़े भी हुए हो ना, तो इसमें थोड़ा जो सिचुएशन है उसमें अगर नेगेटिविटी लगती है तो एक ब्रेक ले सकते हो, थोड़े टाइम का पॉज ले सकते हो, अगर दोनों पार्टनर्स अग्री करें तो। दिस इज़ माय एडवाइस। ओके एक्शंस आपको अपने मर्जी से लेना है। तो ये जो स्टकअप टाइप का सिचुएशन है ना आप दोनों का, कि मूव ऑन भी नहीं कर सकते और वेट भी नहीं कर सकते, रह भी नहीं सकते साथ में और साथ में मतलब अलग भी नहीं हो सकते, इसके लिए थोड़ा आप दोनों को लाइक एक दूसरे को म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके थोड़ा स्पेस भी देना चाहिए। ओके अदर देन दैट काफ़ी कन्फ्यूजन्स मुझे नज़र आ रहे हैं। एक ऐसा लव है जहाँ पे कि अंडरस्टैंडिंग जो है ना, सी प्रॉब्लम तो है अंडरस्टैंडिंग में, बिकॉज आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि सारा कुछ लव का या अफेयर का या पार्टनरशिप का जो भी काम था वो अकेले ही कर रहे थे। ओके तो यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो समझ नहीं पाए या आप उन्हें समझा नहीं पाए। इन बोथ दो केसेस आपको भी थोड़ा एफर्ट लेना चाहिए था उनको समझाने के लिए। एंड इट्स लाइक बहुत ज़्यादा एक जो लव अब उनके अंदर है ना, वो उसको बाउंड्री के अंदर रखना चाहते हैं, अभी उसको एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, अभी उसको दिखाना नहीं चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में ये थोड़ा टर्न अप कर रहा है सिचुएशन। ओके हो सकता है कि ये अभी फाइनेंशियली या पर्सनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हों। एक ऐसा सिचुएशन आ गया है ना जहाँ पे कि दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू कीप द सिचुएशंस इन कंट्रोल। ओके अब जो चीज़ें हैं वो ऐसी हैं कि आपका केयर और कंसर्न जो है इनके साइड पे कहीं ना कहीं सी इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, जैसे आपके पार्टनर हैं उन टाइप के लोगों को मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हाँ ये अच्छा लगता है कि आप उनसे सारी चीज़ें पूछ पूछ के करो, मगर हाँ ये ज़रूर अच्छा लगता है कि आप उनको हमेशा इम्पॉर्टेंट फील कराओ, उनको हमेशा वैल्यू दो, जो समटाइम्स आप अपने ओवर इमोशनल होने के वजह से, ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, एक बार आप इमोशंस में बह के सोचने लगते हो तो बस इमोशंस में ही बह के सोचने लगते हो, और ये चीज़ गलत है। ओके ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये गलत है, क्योंकि अगर आप हर टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमोशंस में ही जाके सोचोगे तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मेक सम लॉजिकल डिसीजंस। ओके इमोशंस और लॉजिक को साथ रख रख के अगर डिसीजंस लिए जाते हैं तो वो अच्छे होते हैं, बस इमोशंस कैन बी ओवरबर्डनिंग, और अब आप देखो वो ओवरबर्डन है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ओके तो एक तो ज़रूरत यहाँ पे स्पेस देने की भी है। ओके बट ये आप लोगों का पर्सनल कॉल है। नाउ द सिचुएशन इज़ कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसा सिचुएशन भी नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत गिफ्ट्स, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं, हाँ बट ये जनरल रीडिंग है, मैक्सिमम लोगों के लिए चीज़ फॉलो करेगी कि उन्हें महंगे गिफ्ट पाना, अच्छी चीज़ें खरीदना, बहुत सारे पैसे स्पेंड करना, ओके ऐसे बहुत ज़्यादा ड्रीमी ड्रीमी दुनिया में रहना, ये सब इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके ये लोग हमेशा ही एक लैविश लाइफ ये जीते आए हैं और आपके साथ भी ये यही एक्सपेक्ट करते हैं, और अगर ये एक्सपेक्टेशन सिचुएशन को मैच नहीं करती है ओके तो हो सकता है कि इनका दिमाग जो है वो थोड़ा भटके, मतलब आपके पार्टनर का। ओके
तो नेक्स्ट स्टेप में एक तो है कि ये हो सकता है कि आप स्पेस मांगो ना मांगो, ये खुद ही आपसे स्पेस मांगे। हो सकता है ये अपने वर्क लाइफ पे फोकस करे, अपने इमोशनल लाइफ पे फोकस करे, एट द सेम टाइम कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को लुक फॉरवर्ड करें जो कि इन्होंने बहुत टाइम से लुक फॉरवर्ड नहीं किया है। दे कैन ऑल्सो फाइंड सम गुड फ्रेंड्स, गुड फैमिली मेम्बर्स जो इनको थोड़ा गाइड करें, अच्छे के लिए गाइड करेंगे। ओके बट ये गाइडेंस अभी किसी से नहीं लेंगे, ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि अभी बहुत बर्डनिंग सिचुएशन है। तो अभी गाइडेंस इनको ऐसे नहीं दिया जा सकता है कि आप मेरी बात मानो या मेरी बात सुनो। इनको गाइडेंस अभी बस लव केयर और कंसर्न से दिया जा सकता है इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। अभी तो सी सिचुएशंस में नेगेटिविटी चल रही है, बट हाँ मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि सिचुएशंस आप लोगों के लिए थोड़े टाइम में थोड़े पॉजिटिव हो जाएं एंड चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हो जाएं। ओके काइंड ऑफ एक पूरा सिचुएशन जिसमें कि सी जिन लोगों का मरून पाइल है उनको तो मैं ज़रूर ही कहूँगी कि अगर आपका नो कांटेक्ट चल रहा है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। हो सकता है ये पर्सन खुद ब खुद आपके साइड मूवमेंट ले। ओके तो वो वेट करना आपका ज़्यादा ज़रूरी है, वो सिचुएशंस आपके लिए अच्छे होंगे। ओके हाँ यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है सी, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। ओके और जनरल रीडिंग में आप जानते हो कि बहुत सारे लोगों की रीडिंग हो रही होती है, तो ऑफ कोर्स कुछ लोगों के लिए तो ये वापस आएंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड पर्सन हैं, जो कि मैरिड होने के इनके चांसेस हैं, ओके तो जिनके पार्टनर मैरिड हैं उनके केस में ये पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपने फैमिली के तरफ, अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप के तरफ जाना प्रेफर करें। ओके और अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अपने मैरिड लाइफ के रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी बहुत ज़्यादा थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। सी मैं इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ इसलिए बता रही हूँ बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं वही आप लें। ओके तो यहाँ पे या तो जो अनमैरिड पीपल हैं उनके लिए पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपके पास वापस आए, जो मैरिड लोग हैं उनके लिए ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि वो अपने दूसरे पार्टनर मतलब ऑफिशियल पार्टनर के पास वापस जाने की कोशिश करें। बट हाँ एक वेट करना, अगर आप पूछते हो मेरे से कि क्या मेरे पार्टनर नेक्स्ट मूव जो आप मुझे नज़र आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे वेट करना चाहिए या नहीं, तो हाँ वेट करना चाहिए। सी पहली बात तो ये है कि नेगेटिव साइकिल्स ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही चले, नेगेटिव साइकिल्स भी चेंज करती हैं, तो उसके वजह से भी आपको वेट करना चाहिए। और अदर देन दैट थोड़ा स्पेस की तो ज़रूरत है, क्योंकि अभी थोड़े प्रॉब्लम्स हैं उनके भी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, इस रिलेशनशिप को लेकर के, तो वेट करना चाहिए। हाँ जो मैरिड लोग हैं वो वेट करने से पहले बहुत सोच समझ लें बिकॉज़ पॉसिबिलिटी कम है आपके पास वापस आने की। ओके तो पहला ये एक सिचुएशन हो गया। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ऑप्शंस हो सकता है आपके पार्टनर देखें, किसी एक ऑप्शन को देखें जिसमें उनको ये चीज़ तो जाननी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें उन्हें जैसी दिखेंगी उसमें कुछ डेंजर भी हो सकता है। ओके तो नेक्स्ट मूव मुझे आपकी तरफ बस उन लोगों के लिए दिख रहा है जो लोग की अनमैरिड हैं या जिनके पार्टनर्स भी अनमैरिड हैं। जिन लोगों के पार्टनर या वो खुद मैरिड हैं उनके केस सॉरी जिनके पार्टनर मैरिड हैं, ओके उनके केस में ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप की तरफ लुक फॉरवर्ड करें। और बट वहाँ पे भी अगर मैरिड है भी तो भी वेट करने से थोड़ा इफेक्ट बन सकता है, बट ये आपका पर्सनल चॉइस है, मेरा इसमें कुछ भी नहीं कहना। मैं आपको गाइडेंस देती हूँ, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ, बट रास्ते पे चलना आपका खुद का काम है। ओके तो ये मैंने कंप्लीट कर दी है मरून पाइल की रीडिंग। अब हम लोग करते हैं ऑरेंज पाइल की रीडिंग, तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं।
ओके सो ऑरेंज पाइल पीपल, यहाँ पे बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं या मैरिज में हो सकते हैं, किन्हीं का डिवोर्स हुआ होगा, कोई सेपरेशन में होंगे। एक बहुत ऐसी फीलिंग जहाँ पे कि होम होते हुए भी हैप्पीनेस ना हो। ओके, किन्हीं किन्हीं के लिए जो नो कांटेक्ट चल रहा है वो किसी डिवोर्स की वजह से होगा, किसी अनहैप्पी होम की वजह से होगा, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जहाँ पे कि चीज़ें लाइक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं कार्ड्स आपको एक वार्निंग दे रहे हैं। ओके, और वार्निंग ये है कि कमिंग टाइम में उनके नेक्स्ट मूव से कुछ एक ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जहाँ पे कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल चला जाएगा, आप किस रास्ते जाना चाहते हो ये आपको पता नहीं चलेगा, या आपके रिस्पेक्ट को भी चीज़ें हर्ट करेंगी। ओके, तो आपको थोड़ा ये समझना चाहिए कि ये उनका नेक्स्ट मूव हो सकता है जहाँ पे कि आप लोगों को कुछ बहुत डर्टी फाइट्स, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे ब्लेम गेम हो सकते हैं, कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स जहाँ पे कि आपकी बदनामी की जा सकती है आपके पार्टनर के थ्रू। ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड हो तो आपको, आपके बच्चों को निग्लेक्ट करें, उतना ध्यान ना दें। ओके, इट्स काइंड ऑफ पूरी दुनिया जिसको कहते हैं ना अपसाइड डाउन हो जाना, तो जो लोग अनमैरिड हैं वो लोगों को भी वो लोग इग्नोर करने का सोच रहे हैं। ओके, तो काइंड ऑफ अभी वो टाइम है जबकि आप जो लोग आपके पास्ट में थे उनसे रिकनेक्ट करें। ओके, एट द सेम टाइम सी आपके पार्टनर जो हैं वो नेक्स्ट मूव में हाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करेंगे। कम्युनिकेशन फेलियर तो ऑफ कोर्स हो ही चुका क्योंकि हमारा वीडियो ही नो कांटेक्ट पे है। जिन लोगों का कांटेक्ट अगर हो भी रहा होगा तो वो बिल्कुल ना के बराबर होगा, बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको लगता होगा कि हाँ यार इतनी इतनी कम बात हो रही है, ये कांटेक्ट के अंदर तो नहीं ही आ सकता है। बहुत पुराने पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स भी उठ उठ के आ चुके हैं, पुरानी चीज़ें उठ के आ चुकी हैं आप लोगों के बीच में। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जो है वो आपको जो रिस्पेक्ट देते थे, आप उन्हें जो रिस्पेक्ट देते थे, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बैड टर्म्स पे चला गया है। वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दुख में हो। ऑफ कोर्स दुख में रहना लॉजिकल भी है, अगर कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो वो ऑफ कोर्स दुख में रहेगा ही रहेगा। ओके, आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, जो पूरा सिचुएशन आपका फॉलो अप हो रहा है उसके नेक्स्ट मोमेंट में आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं करना है। ये आपको टेंशन दे सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं आप लोगों की। ओके, कुछ एक ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको यकीन भी नहीं होगा कि आपने किसी को ट्रस्ट करके बताया, तो ये सारी चीज़ें वो हो सकता है मन में सोच रहे हों एक्सपोज करने की या बताने की, कुछ आपके ऐसे सीरियस चीज़ें, कुछ आपके ऐसे सीक्रेट्स बताने की जो उन्हें नहीं रिवील करने चाहिए। अब इतना टेंशन नहीं लेना है बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग है। ओके, उनको पता है, उनकी जो सेल्फ स्टीम है ना, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बहुत ऊपर है। ओके, अब सी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, आपके पार्टनर को पता है कि उन्हें क्या करना है, बट आप खुद में अपनी जो रिस्पेक्ट है ना उसमें थोड़ा आपने नीचे कर लिया अपनी रिस्पेक्ट उनके नज़रों में, जिसकी वजह से वो आपके लाइफ में टेंशन क्रिएट कर पाते हैं। ओके, तो अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ इस हैबिट से आप निकल जाएं, आप अपने लाइफ को कंट्रोल करना सीखें। मैं मानती हूँ कि अभी नो कांटेक्ट चल रहा है तो बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, बट अपने भी लाइफ को कंट्रोल करना सीखें, एंड नॉट लाइक कि वो अपने लाइफ को इतने अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं, बट आप हमेशा ही अपने वैल्यूज़, अपनी चीज़ों, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को उस पर्सन पे देते हैं, और यही रीज़न है कि वो आपके लाइफ में टेंशन क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपसे आएंगे, बात करेंगे और आपको टेंशन देंगे और चले जाएंगे, और फिर आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। ठीक है, आपके हैं लोग अराउंड, तो बहुत सारे लोग हैं, ये बात तो सही है। हो सकता है आप किसी जॉइंट फैमिली में रहते हो, या अगर न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते होगे तो आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी होगी, मदर, फादर, दादा दादी एंड नाना नानी जो भी, एंड अलॉट ऑफ सिबलिंग्स उस टाइप की हो सकती है, बहुत सारी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मगर उस टाइम आप किसी से ना हेल्प मांग पाते हो ना कोई सामने से आपकी हेल्प कर पाता है। ओके,
तो ये आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, ये आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे, ये आपकी एनर्जी को थोड़ा ख़राब करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक तो हैं कि आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए। अगर आपको अंडरवैल्यूड लगता है अपने पार्टनर के वजह से, ऐसा लगता है कि चीज़ें एकदम ख़राब होती जा रही हैं, तो पूरे सिचुएशन को एक बार फिर से लुक करने की कोशिश कीजिए। चीज़ें ख़राब भी अगर होती हैं तो उससे पहले चीज़ों को सही करने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो पर्सन हैं वो नेक्स्ट मूव में किसी ऐसे पर्सन की हेल्प लें जो कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब करना चाहता हो। सी आज के डेट में पता नहीं कितने सारे लोग एक दूसरे के रिलेशनशिप से जलते हैं। मुझे ये नहीं समझ आता कि क्यों जलते हैं। अरे भाई, अपना कोई अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, ठीक है, जलो मत किसी से, और क्या फ़ायदा है जेलसी और इन सारी चीज़ों से, मुझे नहीं समझ आता। बट हाँ, चलो, बिटर ट्रुथ है, बिटर रियलिटी है, इसमें हमारी भी गलती है कि हम लोग अपने रिलेशनशिप में और लोगों से सजेशंस लेकर के उन्हें फॉलो भी करते हैं। अंटिल ऑल सजेशन लेना गलत नहीं है, एडवाइस लेना गलत नहीं है, मगर उस एडवाइस को अपने सिचुएशंस में देख के चलना चाहिए कि मेरे सिचुएशन में ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। इसलिए मैं आपको हमेशा वीडियो में भी कहती हूँ कि मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, चलना या नहीं चलना वो आपकी अपनी मर्जी है, और कैसे चलना वो भी आपकी अपनी मर्जी है। तो सारे ही लोगों से जब आप एडवाइस लेते हो, सी मैं तो अपना कोई पर्सनल एडवाइस देती नहीं हूँ, मैं तो टैरो का एडवाइस आपको देती हूँ, मगर जहाँ से भी आप एडवाइस लेते हो उसको अपने सिचुएशंस के अकॉर्डिंग फिट करके चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर हो सकता है नेक्स्ट मूव में किसी पर्सन से, ठीक है, कोई फ्रेंड हो सकती है या फिर कोई हो सकते हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, और वो आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो थोड़ा आप अगर एक तो सावधान रहने की ऑफकोर्स ज़रूरत है। सावधान रहने के अलावा मैं आपको ये बता देती हूँ कि पूरे सिचुएशंस में प्रॉब्लम्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, फेलियर्स हैं, आप लोग आपस में अच्छे से एक दूसरे से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, एंड इश्यूज हैं। तो थोड़ा अपने आँखों को खुला रखें, थोड़ी चीज़ों को लाइक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और थोड़ा कॉन्शियस रहें पूरे सिचुएशन में जो भी आप कर रहे हो, जो भी मूवमेंट्स आप ले रहे हो। और एट दी सेम टाइम इनके नेक्स्ट मूवमेंट में ये दो चीज़ें तो हो ही सकती हैं, तो आपको अपनी सेल्फ वैल्यू भी करनी है। आपने जो अपनी एनर्जी पूरी बर्बाद कर ली है उस एनर्जी पे भी आपको थोड़ा ध्यान देना है, सो दैट आपकी एनर्जी इन लाइन आए, ताकि आप अपने लाइफ की और प्रॉब्लम्स को भी डील कर सको, जो साथ ही साथ जो प्रॉब्लम्स चलती हैं उनको डील कर सको। ओके, अभी तो आप आप जो बोलोगे वो आपके पार्टनर नहीं सुनेंगे नेक्स्ट मूव में, बट कोई उनका पर्सन, कोई उनके लोग जो जिन्हें वो पसंद करते हैं, उनकी बातें वो ज़रूर ही सुनेंगे। तो खैर, इससे टेंशन नहीं लेना है इतना ज़्यादा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिलेशनशिप ठीक करना भी एक चीज़ होती है, तो आप अपने एनर्जी को चेंज करके रिलेशनशिप को थोड़ा सही करने की भी कोशिश कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन के साथ, बिना प्रिकॉशन के नहीं। और आंखें खोल के आपको अपने रिलेशनशिप को सही करना है, इन एंड आउट चीज़ों को बिलीव नहीं करना है, और जो चीज़ें आपको दुख देती हैं उसको करेक्ट करना है रिलेशनशिप में। लाइक ये नहीं कि हाँ, अगर वो आपको पेन भी दे रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। ओके ओके, तो इनके नेक्स्ट मूव में कहीं ना कहीं कोई ऐसा मूव हो सकता है नेक्स्ट स्टेप में कि ये आपके एनर्जी को थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेंगे। बहुत हद तक एनर्जी आपकी डाउन हो भी चुकी है, देयर इज़ नोबडी टू हेल्प यू, देयर इज़ नोबडी जिससे आप बात कर सकते हो अपने दिल की बातें, इतने लोगों के होते हुए भी देयर इज़ नो वन, ठीक है। तो एक चीज़ है कि आपको अपनी एनर्जी प्रिजर्व करनी चाहिए, अदरवाइज आप और ज़्यादा प्रॉब्लम्स में जाते जाओगे। तो उन सारी चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करना है और थोड़ा बच के रहना है। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को सेव ना करो, सो इसके लिए आप पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करो अपने लाइफ में, सो दैट पॉजिटिविटी आपके लाइफ से आपके अराउंड रहे। ओके, आपकी चीज़ें पॉजिटिविटी
के वजह से जो खराब भी होने वाली हैं वो भी अच्छी हो जाए, ओके, क्योंकि उनके इंटेंशंस हो सकते हैं थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो आपके लिए, ओके, तो इन प्रॉब्लमेटिक इंटेंशंस को आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे वे में लेके चलना है कि वो आपकी चीज़ें खराब ना कर पाएँ, आपके एनर्जी को डिस्ट्रॉय ना कर पाएँ। दूसरा है कि अभी आपका जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है उसमें हो सकता है कि आप अगर आप इनसे मिलने जाना चाहते हो तो वो प्लान्स वो जो भी वो सारी एक होता है ना ट्रैवल प्लान्स वो कैंसिल हो सकते हैं, आपस में बात होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, डिले हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके साथ अभी होंगी। नेक्स्ट मूव में मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि ये सी जो आपका डिलेड ट्रैवलिंग होगा या तो ये आपकी एनर्जी की वजह से होगा या आपके रिलेशनशिप के एनर्जी के वजह से होगा, बिकॉज दिस पर्सन ये जो पर्सन है वो आपसे अभी मिलना नहीं चाहते हैं करेंटली, ओके, ये आपसे अभी नहीं मिलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आप अगर जाओ भी तो ये आपसे मिलने को रेडी ना हो। तो जो भी अभी रिलेशनशिप आपका आगे बढ़ता है या जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से अगर निकलने की बात करते हो तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी बनती है, सी जनरल रीडिंग है, दुखी नहीं होना, हो सकता है चीज़ें आपसे ना फॉलो अप हो, ओके, क्योंकि पर्सनल रीडिंग में आपकी एनर्जी से चीज़ें फॉलो अप होती हैं, ओके, तो नहीं भी फॉलो अप हो सकते हैं, तो इतना अपसेट नहीं होना है। तो एक जो मूवमेंट है ना रिलेशनशिप का, एक जो कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा मुझे कहीं ना कहीं कम होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत आप हो सकता है बहुत इम्पेशेंट हो गए रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आपके पार्टनर बहुत नॉर्मली बैठे हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो एक नेक्स्ट मूव में ऐसा हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप पे कुछ बदनामियाँ आएँ, कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, तो या आपके पार्टनर किसी थर्ड पर्सन से हेल्प लेने की कोशिश करें, तो ये सारी चीज़ें मुझे उनके नेक्स्ट मूव में नज़र आ रही हैं, जिससे आपको थोड़ा संभल के भी रहना है, बच के भी रहना है, एंड एट दी सेम टाइम आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल भी रखना है, ओके, और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, पॉजिटिव रहना है, दूसरे की नेगेटिविटी के वजह से, किसी और के प्रॉब्लम्स के वजह से आपको प्रॉब्लम्स में नहीं जाना है, ओके, और आप जितने पॉजिटिव रहोगे उतना ही कम नुकसान ही आपका कर पाएंगे। अभी कोई लड़ाई अगर होती है, कोई ऐसी बात होती है जिस पे वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, तो बहुत शांति से चीज़ों का जवाब देने की कोशिश करें ताकि आपकी एनर्जी भी पूरे सिचुएशन में प्रोटेक्ट होती रहे, ओके, तो जो लव टाइप का सिचुएशन था उसमें चेंजेस आए हैं और चेंजेस आके अभी सेपरेशन का फेज चल रहा है, थोड़े प्रॉब्लम्स का फेज चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें तो होंगी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि ये पर्सन आपको आज प्यार करे ना करे, आज आपसे अटैच होना हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता था, ओके, तो कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं जिसके वजह से इन्होंने ये स्टैंड अपना चेंज कर लिया, ओके, वो मैं आपको अगर कोई और वीडियो बनाऊंगी उसमें बताऊंगी कि आफ्टर ऑल क्यों आप लोगों का प्यार ख़त्म हुआ, क्या रीजंस थे। तो अभी उनकी एनर्जी तो मुझे अच्छी नज़र आ रही है और आपकी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक नज़र आ रही है, तो आप अपने आपको नेक्स्ट उनके जो भी मूव है उससे थोड़ा बचाने की कोशिश करें। सारे मूव्स मैंने आपको बता दिए, ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। अब हमारी लास्ट रीडिंग है जो कि है पिंक पाइल वाले लोगों के लिए, तो देखते हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। लगता है कि ऑरेंज पाइल वाले लोगों ने बहुत मेहनत और मशक्कत की है अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए, 100% की है। चलो अब आपके कार्ड्स को मैं शफल करती हूँ कि आपके पार्टनर आफ्टर ऑल क्या नेक्स्ट मूव लेंगे। नो कॉन्टैक्ट चल रहा है। सी जब भी कभी नो कॉन्टैक्ट होता है ना और आप किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हो तो पहले तो ट्राई करना चाहिए कि रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ओके, अगर आपको सिचुएशंस ऐसे लगते भी हैं कि हाँ चलो
ठीक नहीं हो सकते हैं, तो पहले ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद ही कोई एक्शन या कुछ भी लेना चाहिए। बिकॉज सी, एक्शन लेना तो फिर भी इजी होता है, आप भी जानते हो, बट द थिंग इज़ कि पहले करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं सारे ही लोगों को कहती हूँ कि आप करेक्ट करो पहले चीज़ों को। ओके, तो ये कार्ड्स आपके आ चुके हैं, अब हम देखते हैं कि आपके क्या कार्ड्स आए हैं। ओके, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में तो है ही हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है ये पर्सन। ओके, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो पिंक पाइल वाले लोग हैं, उनके और उनके पार्टनर में कुछ ऐसी बातें हुई जो कि आप उनके पार्टनर ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। ओके, और अब इनका नेक्स्ट मूव कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिफाइन हो रहा है। सी, जिस टाइप का आपका रिलेशनशिप है, मैंने पहले भी आपको बोला कि करेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, ये मेरे इंट्यूटिव गट ने बोला था, ठीक है, मेरे इंट्यूशंस ने बोला था, जो मुझे फीलिंग आती है। ओके, मैं किसी की भी रीडिंग टैरो कार्ड से तो कर ही सकती हूँ, दूसरा कि मेरे इंट्यूशन से। ओके, क्योंकि टैरो कार्ड्स अकेले आपको चीज़ें गाइड नहीं करते हैं, आपको अपने इंट्यूशंस को भी बहुत यूज़ करना पड़ता है, बहुत एनर्जी जाती है रीडिंग करने में, बहुत एनर्जी। ओके, इसलिए पर्सनल एनर्जीज रीड करना एक टीडियस काम होता है, लेकिन हाँ, पर्सनल एनर्जीज के सजेशंस सबसे ही बेस्ट होते हैं, सबसे अच्छे होते हैं। तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ बिट्रेयल आ रहा है, हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के वजह से, या हो सकता है आपका फोकस कहीं और होने के वजह से, आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, ये चीज़ उनको गवारा ना हो, या आप कुछ अपने लाइफ में लुक फॉरवर्ड कर रहे हो, ये चीज़ से उनको कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो है मुझे थोड़ा बिट्रे किया जा रहा है, मुझे इन एंड आउट चीज़ें बताई नहीं जा रही हैं। आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव में मैं एक चीज़ तो बता सकती हूँ कि ये पर्सन ना आपका कुछ बुरा करेगा, ना आपसे कोई रिवेंज लेगा। हाँ, आपसे लड़ाई कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, आप पे अपने फ्रस्ट्रेशंस निकाल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आप पे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। ओके, एक फीलिंग है उनके अंदर, जब ये इनको ऐसी भी फीलिंग आई ना कि हाँ इन्हें, सी, बिट्रेयल का नेसेसरी मीनिंग ये नहीं है कि हाँ कोई थर्ड पार्टी ही हो या कुछ ऐसा ही हो, कभी कभी कोई बातें भी किसी किसी सेंसिटिव पार्टनर्स को बहुत हर्ट कर जाती हैं। ओके, तो आपके पार्टनर ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो उनको चीज़ें हर्ट कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में था, अच्छा था, आज वो स्टेबिलिटी जा चुकी है, और आपके पार्टनर के नेक्स्ट मूव में अगर आप लोगों की बातें होती हैं तो कुछ लड़ाइयाँ होंगी, कुछ ओपिनियंस के डिफरेंसेस होंगे। हो सकता है कि आपके पार्टनर को किसी ने भड़काया हो, ओके, आपके अगेंस्ट, या कुछ ऐसी बातें बताई हो जिसका कोई बेस नहीं था, बट उन्हें ऐसा लगा कि हाँ ये चीज़ें उनको आपके थ्रू पता होनी चाहिए थी। ओके, तो पूरा जो स्टेबिलिटी वाला सिचुएशन था, पूरा जो कंट्रोल वाला सिचुएशन था, वो कन्फ्यूजन में जा चुका है, इमोशनल बैगेज में जा चुका है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने माइंड को डाइवर्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, बट डाइवर्जन नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनका जो उनकी जो पूरी लाइफ है ना आपके पार्टनर की, कहीं ना कहीं ये सेल्फ को बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं कि मेरे इतना यकीन करने की वजह से हो सकता है कि चीज़ें मेरे लिए ख़राब हुई हैं। ओके, तो ये अपने आप को भी कोस रहे हैं। तो अगर आप लोगों की बात होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, तो वहाँ पे चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि अच्छा रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रहा है, अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आज भी ये पर्सन आपसे नो कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद भी आपको लुक फॉरवर्ड करना चाहता है, बट हाँ, इतने दुख में है कि पॉसिबिलिटी कम है। ओके, और माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है ना कि इनकी गलती के वजह से, इनके एक्सेसिव ट्रस्ट के वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हो गई। तो ऐसा नहीं है कि आपने, हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें छुपाई हों जो नहीं छुपानी चाहिए थी, बट कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनकी ना फालतू बातों पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। ओके, मतलब ऐसी बातों पे लड़ाइयाँ हो रही हैं कि आपको लग रहा है कि यार ये आपको समझना चाहिए, आप मेरे पार्टनर हो, आपको ये चीज़ें मेरे बारे में समझनी चाहिए, मैंने नहीं बताया, मे बी शेम की वजह से नहीं बताया, या किसी रीज़न की वजह से, कुछ भी पर्सनल रीजंस आपके हो सकते हैं,
आप शायद रिलेशनशिप को सेव करना चाहते थे इसलिए नहीं बताना चाहते थे, कुछ भी रीजंस की वजह से आपने नहीं बताया, जिसको वो आज के डेट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट मूव में इनका कन्फ्यूजन आपको नज़र आएगा अगर कांटेक्ट होता है तो। लेकिन हाँ, ये कंफ्यूज तो रहेंगे ही, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अपना मन भटकाने की कोशिश करेंगे, बट उसका लॉन्ग टर्म में कोई इफ़ेक्ट उन्हें नहीं नज़र आएगा। वो अपने मन को नहीं भटका पाएंगे और ना ही अपने चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा ये आपके डिपेंडेंट थे, ये इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा कोस रहे हैं। ओके, तो अब आपको चाहिए कि अगर आपकी थोड़ी भी बात होती है, कोई अगर ऐसा पर्सन है जो आपकी हेल्प कर दे, तो उनसे हेल्प लेके आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। हाँ, बट अभी तक आप जिनसे हेल्प लेते आए हो उनमें कुछ लोगों को चेक रीचेक करने की ज़रूरत है। उसमें कुछ लोगों ने अच्छे के जगह बुरा ज़्यादा चाहा है, तो सोच समझ के हेल्प लें। ओके, एकदम से बिना सोचे समझे कोई हेल्प लेने की कोशिश ना करें। मैनिफेस्टेशन इज़ अ गुड थिंग, मेडिटेशन इज़ अ गुड थिंग। मेडिटेट करोगे आपका माइंड शांत रहेगा, मैनिफेस्ट करोगे ये पर्सन के जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर होंगी। ओके, इस पर्सन का पेन बहुत ज़्यादा है, तो पेन के लिए आप प्रे करो कि इनका पेन थोड़ा कम हो, कन्फ्यूजन्स हटे, ताकि ये पर्सन आपके पास वापस आ सके। अगर वापस आए तो प्लीज़ आप इनसे लड़ाइयाँ नहीं करोगे, कूल माइंड से बात करोगे। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है तो उन्हें अपने बातों को समझाने की कोशिश करें। हर टाइम लड़ना एक अच्छी बात नहीं है। ओके, ये अपने मन को भटकाने की कोशिश तो कर रहे हैं, बट मन भटकेगा नहीं। एंड एट द सेम टाइम अभी अपने जितने भी नॉलेज को ट्राई कर लें, जितने भी नॉलेज का इस्तेमाल कर लें, अभी चीज़ें इनके कंट्रोल में आनी मुझे मुश्किल नज़र आ रही हैं। ओके, तो प्रे करें। सी, आप एट द एंड ऑफ द डे आपके ही पार्टनर हैं, चाहे नो कॉन्टैक्ट में हो या कॉन्टैक्ट में हो। तो एक तो मेरी इंट्यूटिव गट कहती है कि ये जो रिलेशनशिप टूटा है, ये टूटने वाला रिलेशनशिप नहीं था, अच्छा रिलेशनशिप था। ओके, और इसका लॉस, हाँ, एक अच्छा बड़ा लॉस है आपका। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल सही करने की कोशिश करें। नो फाइट्स नो कंट्रोल। ओके, नो फाइट्स नो कंट्रोल, ये चीज़ आप याद रखना। और सी, अभी जो पेन आपके पार्टनर का इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको जाने में थोड़ा समय लगेगा। ओके, तो इम्पेशेंस नहीं दिखाना है, अभी बात करो, अभी कॉल करो, अभी क्यों नहीं बात करते या करती, ये सब नहीं करना है। ओके, थोड़ा ना समय को भी, समय देने की आदत डालो। समय लगता है ना चीज़ों को हील करने में, हमें कुछ हो जाता है, हमें कोई घाव हो जाता है तो उसको समय लगता है ना हील करने में, तो इनको भी वो समय दो। नेक्स्ट मूव में ये आपका कुछ भी बुरा नहीं करेंगे, बट ये कंफ्यूज्ड रहेंगे और दुखी होंगे कि हाँ, मैंने इतना ट्रस्ट किया, कहीं ना कहीं मेरा ट्रस्ट ब्रेक हुआ। ओके, तो अगर सिचुएशंस कंट्रोल में जाती हैं तो कंट्रोल करने की कोशिश करो। तो पिंक पाइल पीपल, मैंने आपकी भी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। अगर आपको मेरी रीडिंग आती है पसंद, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो। अब मैं जाती हूँ, आपसे अलविदा लेती हूँ। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय बाय एंड टेक केयर।